गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2। 3.2 का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। 3.2 के पार्ट 2 में हमें क्या कहा हुआ है, 6.2 इंटू 0.2, ये हमें जो है वो सोल्व करना है। तो आप क्या लिखोगे, इसे 62 और डिवाइड में 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, और ये 2 अपॉन में 10। तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 2 6 12, और डिवाइड में 10 को 10 से करोगे तो 100। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट लगा दो कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 4 2.1 1.24 आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 0.4 इंटू 302.5, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 10 और 3025 अपॉन में 10, ठीक है ना। इसके पॉइंट के बाद 1 डिजिट था 10, इसके भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट था 10 लगा दो, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 100। और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 4 2 8 और 2 10, 1 4 3 12, तो ये आ गया 12,100, ठीक है ना, और अपॉन में 0, तो ये 0 से 0 तो कट ही हो गई, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 121 ओनली, ठीक है ना, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, 0.3 इंटू में 0.03, तो आप इसे लिख सकते हो 3 और पॉइंट के बाद कितने डेट है 1, तो ये 10, और इसे लिख सकते हो 3 पॉइंट के बाद कितने डेट है 1 2, तो ये 100। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 और 10 को 100 से करोगे डिवाइड वाली वैल्यू डिवाइड वाले से, तो ये 1 2 3 0, तो इसे आप लिख सकते हो 9.00 0.009, ठीक है ना, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर नंबर क्वेश्चन आपको क्या गिवन है बेटा। फोर नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है 20.05 मल्टीप्लाई 2.05, तो आप इसे लिख सकते हो 2005, पॉइंट के बाद है 2 डिजिट तो 100, 205 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो ये भी 100, डिवाइड में आ जाएगा आपका 1 2 3 4 10,000, और इसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ जाएगा 205 इंटू 411025, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि डिवाइड में 4 0 है ना, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो 5 2 0 1, हो गया ना 4 डिजिट, उसके बाद पॉइंट और बाकी डिजिट 1 4, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 5 नंबर, 14.3 इंटू 0.12, 143 डिवाइड में 10, 12 अपॉन में 100, तो यह आ जाएगा आपका 1000 मल्टीप्लाई करके, और ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1716, तो आप 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे 617.1, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन है 101.01 मल्टीप्लाई 0.01, 10101 और डिवाइड में 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था 0, ये कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट है तो डिवाइड में 100, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा 1001 और डिवाइड में 10,000, तो उसमें डिजिट कितने के बाद लगेगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर पॉइंट और फिर 1, यही आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, फोर नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा बेटे, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 5.8 सेंटीमीटर।
हमें क्या गिवन है देखो, साइड कितनी गिवन है, साइड गिवन है 5.8 सेंटीमीटर और वो भी है स्केयर। तो स्केयर क्या होता है, जिसकी सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। ये स्केयर है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है, ठीक है ना। ये भी 5.8 और ये भी 5.8, ये भी 5.8 और ये भी हमारा 5.8। तो एरिया हमने इसका फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखोगे एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू साइड का स्केयर। साइड आपको गिवन है 5.8 का स्केयर, इसका मतलब क्या है कि 5.8 को आपने 5.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 58/10, 58/10, तो ये आ गया 1000 और 58 को 58 से मल्टीप्लाई कर दो, 58 × 58, ये आ जाएगा 3364। और टू डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो उसमें, 646.33 मीटर स्क्वायर। तो आप लिख दोगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64, ठीक है ना। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है ना। आपने वीडियो को पोस्ट करके जो है वो क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छे से पहले समझना है और फिर इनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर।